चलिए दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आप सभी के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम की डेट बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आने वाली है। तो ऐसे टाइम पे आपके दिमाग में चीजें ये चलती हैं कि सर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मुझे क्या क्या पढ़ना जरूरी है, और क्या क्या अगर मैं लास्ट टाइम पे पढ़ूं या एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं पढ़ूं ताकि एग्जाम में बहुत अच्छा मैं नंबर लेकर के आ सकूं और बिना किसी बैक के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर को मैं पास कर पाऊं, तो ऐसे में मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड आज हमने आपको ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पहले क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो इसी सीक्वेंस में आपको डेली शाम को 7 बजे लर्निंग देके इसी यूट्यूब चैनल पर वन टॉपिक वन वीडियो मिलता है। ये 5 से 10 मिनट का एक वीडियो होता है, इसमें आपको किसी एक टॉपिक पर पूरा क्लेरिफिकेशन दे दिया जाता है ताकि आप अगर ऐसे देखते रहें तो एक वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए और अगर एग्जाम में वो टॉपिक आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सके। जो हम आपको शाम को 7 बजे वीडियो अवेलेबल करवाते हैं, ये मंडे से फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे आपका लाइव क्लास चलता है शाम को 7 बजे ही, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथ के कुछ ऐसे ही शानदार प्रश्नों के बारे में जहां से आपके एग्जाम में आप कह सकते हैं कि लगभग 4 से 5 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं आज के इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में। तो एक बार सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपना अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम जरूर लिख देंगे और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो, जहां पर आपको 5 सब्जेक्ट की कंप्लीट क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी। अब आ जाइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपको बताने का हम प्रयास करते हैं कि आज की ये जो वीडियो आपके सामने अवेलेबल होने वाली है, आज का जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है और मैथ के ऐसे किस टॉपिक को हमने पकड़ा है कि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, वन टॉपिक वन वीडियो आपको मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सबसे पहला आपको प्लेलिस्ट इसी चीज की मिलेगी, आप उस वीडियो को जरूर देख लो, उसमें शायद 12 या 13 वीडियो अवेलेबल हो चुके हैं क्योंकि 12-13 दिन से ये सीरीज चल रही है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब जो आज का टॉपिक है हमारा, टॉपिक यही है कि त्रिकोणमिति में जैसे अगर आपको आ गया कि रेडियन को डिग्री में बदलो या फिर डिग्री को रेडियन में बदलो। दूसरी चीज अगर आपसे कह देता है कि त्रिभुज में कोण ए कोण बी और कोण मतलब कोण ए और कोण सी की वैल्यू अगर दे दी जाए और कह दिया जाए कि इन दोनों का रेशियो बताइए, तो कैसे आप बताओगे। इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ध्यान देना है, सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और ये दोनों क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के आए हुए क्वेश्चन है। मतलब कुल मिलाकर के 5 नंबर आज के इस वीडियो से हम कंप्लीट कर रहे होंगे, जब हम इस वीडियो को एंड करेंगे तो आप 5 नंबर पाने के काबिल बन चुके होंगे। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करना होगा। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है तो रेडियन के साथ पाई हमेशा अवेलेबल होता है, और अगर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है तो डिग्री में पाई आपका अवेलेबल नहीं होता है। तो जैसे कहता है कि 270 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है, तो जैसे ही बोलता है कि रेडियन में बदलना है आपको वहां पर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, कहीं कहीं पर पाई की वैल्यू भी आपको 180 लिखी हुई मिल जाती है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 180 बटे 180। हाँ जी बिल्कुल यही मतलब होता है, मतलब 270 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट अगर मैं पाई के प्लेस पर 180 रख दूंगा तो पूरा क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। रेडियन में कहने का मतलब ही है कि आपको पाई के साथ चलना है। जब आप पाई के साथ चलोगे, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, तो यहां पर आपको 22/7 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, बट आपको कन्वर्ट नहीं करना है, इस पाई को ऐसे ही रहने देना है। जब आप 270 डिग्री को बदलना था रेडियन में तो 270 गुणे पाई बटे 180 कर दोगे, 10 से 10 कैंसिल कर दोगे, अब आपके पास क्या बच जाएगा, 27 गुणे पाई बटे 18, यही तो बचेगा। अब किससे आप कट कर सकते हो, 9 की टेबल पढ़ो, 9 की टेबल से आप कट कर सकते हो, 9 दुनी 18 और 9 तरीक 27 और 9 दुनी 18, ऊपर कितना बच गया 3 इंटू पाई, मतलब आप उसको लिख सकते हो 3 पाई, और नीचे आपका कितना बच गया 2, तो 3 पाई बटे 2, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखना दूसरी चीज, यहां पर पहली चीज क्लियर होगी। अब जैसे अगर मैं आपको यहां पर दे देता हूं मेरे भाई कि आप 160 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे आप, सिंपल सी बात है सर, 160 में अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 160 बटे
160 गुणे पाई बटे 180, 10 से 10 कैंसिल, अब हम इसको 2 से कट कर देंगे तो 8 दुनी 16 और 9 दुनी 18 कितना हमें मिल जाएगा, 8 पाई बाई 9 हमें मिल जाएगा करेक्ट आंसर। चलो यहीं पर मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, इसका आंसर सभी साथी फटाफट सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में हमें बता देंगे कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप 210 डिग्री की वैल्यू रेडियन में बताओ तो क्या होने वाली है। सभी साथियों के आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शानदार तरीके से आने चाहिए। कमेंट में आपका आंसर आएगा मैं जरूर कमेंट देखता हूं, अगर आपका कोई और टॉपिक पर डाउट है तो आप उस टॉपिक को भी लिख देना, मैं देख करके आपको जरूर बताऊंगा। अब एक तो एक आपका टॉपिक क्लियर हो गया और 100% मान के चलना दोस्त, यहां से एक नंबर में एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछने वाला है। आपने अभी तक 3 से 4 मिनट दिया इस चैनल को, आपका एक नंबर क्लियर हो गया और 17 जो आपको 17 नंबर लेके आना है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वैल्यू हर एक नंबर की आपको समझनी होगी। दूसरा जस्ट उसी का अपोजिट है, अगर आपसे कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कहता है कि आप अगर आपको रेडियन में कोई वैल्यू लिखी हुई मिल जाती है, आपको कहता है उसको डिग्री में बदलो, तब डिग्री में कैसे बदलोगे? अगर किसी भी रेडियन वाली वैल्यू को आपको डिग्री में बदलना है मेरे भाई, तो बस उसी का अपोजिट कर देना है। जैसे जब हमें डिग्री को रेडियन में हम बदल रहे थे तो हमने क्या किया था, डिग्री वाले में पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसी का अपोजिट हमें कर देना है, मतलब रेडियन वाली वैल्यू में हमें 180 बटे पाई से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से ध्यान से सुन लो, अगर बोले कि डिग्री को रेडियन में बदलो तब पाई बटे 180 से गुणा, रेडियन को डिग्री में बोले तो 180 बटे पाई से गुणा। यहां पर कह रहा है 5 पाई बाई 3 है, मतलब ये वैल्यू रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 बटे पाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जैसे ही आप 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई बिल्कुल प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से जब 180 में आप भाग दोगे तो आपको 60 मिल जाएगा, मतलब आपको 5 गुणे 60, और जब 5 में 60 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपको 300, सिर्फ 300 मत लिखना, 300 डिग्री आपको आंसर मिल जाएगा। बोलना क्लियर हो गया क्या, शानदार तरीके से और बहुत जबरदस्त तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब इसी में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं और बोल देता हूं मैं कि 2π/4 को आप डिग्री में बदलो तो कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर 2π/4 है तो मुझे यहां पर 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई से पाई सिंपली कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल कर दूंगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 180 बटे 4, और 180 बटे 2 क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 बचा है, और 180 में 2 से मैं भाग दूंगा तो मुझे सिर्फ 90 डिग्री मिल जाएगा। बोलना दोस्तों एक नंबर और क्लियर हो गया क्या आपका, बोलोगे हाँ जी सर एक नंबर और क्लियर हो गया। इसी के साथ चलो एक और इसमें का भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसको आप सभी साथियों को सॉल्व करना है। मैं आपके लिए वैल्यू दे रहा हूं 3π/5 को आपको क्या करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और इसका आंसर सभी के सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में बताना है। एक तरफ से सभी साथियों के आंसर आने चाहिए ताकि पता चल सके कि हाँ आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहे हो और कितने अच्छे तरीके से आपको चीजें कंप्लीट हो रही हैं। ये दोनों टॉपिक आपको दोस्तों उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब इस दोनों टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, लर्निंग डे का हर एक वो प्यारा सा बच्चा जिसने आज के इस क्लास को किया होगा बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक आपका मैंने आपको दिखा रखा है वो टॉपिक आपका कुछ इस तरीके से है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अभी मैं आज इसका आपको ओवरव्यू बताऊंगा, बाकी इसका कंप्लीट सोल्यूशन और इसी पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इसी टाइम पर डेली शाम को 7 बजे जो वीडियो आपको अवेलेबल मिलती है 1 वीडियो 1 शॉर्ट के रूप में, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको यह समझना होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहोगे सर 180 अंश होता है। अगर इसमें कोण ए की वैल्यू 30 दे दिया है, कोण बी की वैल्यू 45 दे दिया गया है, तो कोण सी की, कोण ए हो गया आपका और कोण सी हो गया, तो कोण बी की कितनी डिग्री में रख दूं ताकि इन तीनों का योग 180 अंश हो जाए। आप कहोगे सर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 होता है। कोण ए का मान 30 है, कोण बी का मान हमें ज्ञात करना है और कोण सी का मान 45 है, बराबर 180 हो जाएगा। तो जब मैं कोण बी का मान ज्ञात करने जाऊंगा तो 180 माइनस 45 में 30 आप जोड़ दोगे आपको 75 मिल जाएगा, मतलब कोण बी का मान आपको 105 डिग्री मिल जाएगा। बोलना क्लियर है क्या, 105 ही तो मिलेगा, 45 और 30 75 105 मिल जाएगा। अब ए रेशियो बी का मान पूछ रहा है, एक रूल मैंने आपको बताया था ज्या का रूल, साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी, यही तो होता है। अब आपसे सिर्फ ए और बी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है तो आप सिर्फ इन्हीं दोनों को उठा लो,
जैसे ही आप इन दोनों को उठाओगे आपके लिए एक बिल्कुल नई स्थिति बन जाएगी, और वो स्थिति ये कहेगी कि साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान डी है, और आपको ए रेशियो बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस ए को यहां ले जाओ और साइन बी को नीचे लेकर के आओगे तो आपको ए अपॉन बी इज इक्वल टू मिल जाएगा साइन ए अपॉन साइन का बी। ए की वैल्यू कितनी है आप कहोगे 30 है, 30 मैंने रख दिया। साइन बी की वैल्यू कितनी है 105, 105 रख दिया। साइन 30 अंश की वैल्यू रख दो और साइन 105 अंश की वैल्यू रख दो, बस आपका क्वेश्चन ये भी हो गया सॉल्व है। इस पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, सभी साथी जरूर लिखें कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और इसी तरीके की वीडियो कंटिन्यू आप प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ विजय बैच में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।